अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, आज की वीडियो में ड्रामा सीरियल दिल आवेज में काम करने वाले इस हैंडसम अदाकार के बारे में आपसे शेयर करूंगी कि ये कौन है और अपने असल ज़िंदगी में कैसे नज़र आते हैं। इनकी तालीम, शादी, कैरियर, फैमिली और बहुत सी ऐसी बातें जो आप नहीं जानते, तो अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखना होगी। लेकिन उससे पहले है आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस। जी तो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दिल आवेज में काम करने वाले इस हैंडसम अदाकार का असल नाम राइद मोहम्मद आलम है। राइद मोहम्मद आलम 31 अक्टूबर 1938 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए और ये अभी अपनी फैमिली के साथ कराची में रहायश पजीर हैं। इनकी तालीम के हवाले से बात करें तो इन्होंने कराची की टॉप यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की है। इनकी हाइट 5 फीट 10 इंच जबकि वेट 72 kg है। हेयर कलर ब्लैक और आइस कलर भी ब्लैक है। ये बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ बेहतरीन मॉडल और डायरेक्टर भी हैं और अब तक बहुत से मशहूर और कामयाब ड्रामों में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर का आगाज ड्रामा काला जादू से किया। इस पहले ही ड्रामे से इनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। ये अब तक बहुत से मशहूर और कामयाब ड्रामों में काम कर चुके हैं, लेकिन इनकी शोहरत का बायस बनने वाला ड्रामा जिंदगी तेरे बिना है। इसके अलावा ये ड्रामा दिल रुबा में भी अदाकारी कर चुके हैं और इस ड्रामे में भी इनकी अदाकारी को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। मोहम्मद राइद बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ बेहतरीन मॉडल भी हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ ही एज ए मॉडल किया और मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने के बाद एक्टिंग का रुख किया। इस हैंडसम अदाकार की शादी के हवाले से बात करें तो ये शादीशुदा हैं। इनके अहलिया का ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से नहीं है। इस खूबसूरत से कपल का एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम रायम है। ये अक्सर अपनी फैमिली की तस्वीरें सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते रहते हैं, जिनको बेहद पसंद किया जाता है। इनका फेवरेट कलर वाइट एंड ब्लू है, जबकि हॉबी ड्राइविंग करना है। जी तो व्यूवर्स, आपको इस अदाकार के बारे में जानकर कैसा लगा, अपनी राय का असर कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।